हेलो बच्चों, अपन लेके आए चित्रकला पेंटिंग कक्षा 12, जिसके 332 कोड है। राजस्थान स्टेट ओपन के पुराने पेपर है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये 332, ये पेपर अपने 18-19 का पेपर है, उसके बाद में ये 19-20 का पेपर है, और उसके बाद अपने पास 21 का पेपर है। तो 3 साल के ये पेपर अपन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। पुराने पेपर अपन याद करेंगे तो उसमें से काफी सवाल रिपीट होते हैं, और अपने को पता चल जाता है सवाल कैसे आते हैं। चित्रकला का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको समय मिलेगा 1.5 घंटे का, परीक्षा होगी उसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1.5 घंटे के अंदर क्या करना है, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अपने बहुत इजी पेपर है ये पेपर, अपने 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का पेपर होगा। आपको 10 नंबर इसमें से लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। 1.5 घंटे का समय होगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है। अब इसमें एक अंक वाले प्रश्नों में 15 शब्दों में लिखना है, 2 अंक वालों को 30 शब्दों में लिखना है, और 3-4 अंक वालों को 50 शब्दों में उत्तर देने हैं। अपन चर्चा करते हैं कि 15 सवाल है, कितने हैं 15 सवाल है, कितने सवाल 3 साल के पेपर में रिपीट हुए हैं। तो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं, पहला सवाल है मुहर क्या है, सील क्या होती है, बैल वाली मुहर की मुख्य विशेषता बताइए। 2 नंबर का सवाल है पहला सवाल, ठीक है। यक्षिणी मौर्यकालीन चवर धारिणी मूर्ति शिल्प के सौंदर्य गुण लिखिए। अजंता की चित्र प्रविधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैलाश मंदिर के महिषासुर मर्दिनी शिल्प का वर्णन कीजिए। ये ऐसे सवाल है बच्चों, ठीक है। ताजमहल की मुगल वास्तुकला को उदाहरण मानते हुए 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। ये अपन सवाल है, अपन क्या करते हैं, ये सवाल अपन ने पढ़ ली है। अब अपन क्या करते हैं, जो 20 का पेपर है उससे क्वेश्चन मिलाते हैं कि कोई क्वेश्चन सेम आया है क्या, ठीक है। अपने 1.5 घंटे के समय क्या है, बहुत ही कम समय है 1.5 घंटे का, और आपको क्या है 15 सवाल के आंसर देने हैं। पहला है मातृ देवी मूर्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मातृ देवी मूर्ति का संक्षिप्त वर्णन है वो इसके अंदर नहीं आया है। सारनाथ किसी शीर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो ये सारनाथ वाला सवाल इसमें भी नहीं आया हुआ, ठीक है। अगला सवाल है अजंता के भित्ति चित्रों में पद्म पद्मणि बोधिसत्व को संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये सवाल आया अजंता की चित्र प्रवृत्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, तो अजंता वाला एक सवाल आपके रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला सवाल है कांड्रिया महादेव मंदिर की विशेषता बताइए। अब कांड्रिया महादेव मंदिर है उसकी विशेषता इसमें ये नहीं आया हुआ, ठीक है। ये सवाल अलग है। एक सवाल मिला है नटराज मूर्ति शिल्प क्यों प्रसिद्ध है, नटराज मूर्ति शिल्प क्यों प्रसिद्ध है, ये सवाल इसमें नहीं आया हुआ, ठीक है। अब अगला सवाल है इन्होंने पूछा है गोल गुंबद की स्थापत्य कला पर लघु लेख, गोल गुंबद भी इसमें नहीं आया हुआ कहीं भी, ठीक है। गोल गुंबद कहीं नहीं है। फिर उसके बाद में है मुगल लघु चित्र शैली किन कारणों से प्रसिद्ध हुई, मुगल लघु चित्र शैली, मुगल लघु चित्र शैली, ये सवाल भी अपने इसमें नहीं आया हुआ, ठीक है। फिर राजस्थानी शैली के भारत मिलाप चित्र को क्या दर्शाया गया है, इसमें भी ये नहीं आया हुआ है, ठीक है। अगला मुगल लघु चित्र शैली है और मुगल कालीन ये प्रयुक्त तकनीक, एक ही सवाल बच्चों ये रिपीट हो चुका है। मुगल कालीन लघु चित्रों में प्रयुक्त तकनीक और ये मुगल कालीन क्या है, ये मुगल कालीन, तो 2 सवाल रिपीट हो चुके हैं। पहाड़ी शैली के चित्र की विशेषता, पहाड़ी शैली के चित्र की विशेषता अपने से पूछी है कि पहाड़ी शैली के चित्र की विशेषता क्या है, ये सवाल रिपीट नहीं। 2 सवाल अपने आ चुके हैं। तंजौर चित्रकला में देवी सरस्वती चित्र के चित्रकार का नाम, ये सवाल अपने ये आ चुका है। तंजौर शैली किन कारणों से एक नक्काशी कार्य जैसी थी, तो ये अपने 2-3 सवाल मिल चुके हैं। कश्मीरी शिल्पकारों के समूह चित्र किस शैली के हैं, कश्मीरी चित्र शैली है नहीं इसमें दी हुई नहीं है, तो 3 सवाल अभी तक अपने मिले हैं। फिर अविंद्रनाथ ठाकुर की कला पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये नहीं है। समकालीन भारतीय कला की संक्षिप्त परिचय, कलमकारी की प्राविधि और फट चित्र के विस्तृत वर्णन, तो इसमें ये सवाल क्या है थोड़े अलग हैं, ठीक है। अब ये अपन 2021 का पेपर देखते हैं। दो हजार का 21 का पेपर है राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण किस शैली के चित्र हैं, तो ये सवाल आपको राधा की प्रतीक्षा, इसमें राधा की प्रतीक्षा इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये सवाल अलग आया है। तंजौर शैली के चित्र की विशेषता, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन अपने, ठीक है। ये तंजौर ये सवाल था
यहाँ तेंजोर शैली नक्काशी कार्य और ये तेंजोर आगे। कंपनी चित्र शैली किस शासन काल में कंपनी, तो ये कंपनी चित्र शैली ये आ चुका है, दो सवाल इसमें मिल चुके हैं वापस। बैल वाली मुहूर है, बैल वाली मुहूर, बैल वाली मुहूर, बैल वाली मुहूर, बच्चों अपने कहीं पढ़ा था बैल वाली मुहूर अभी आया था। तो अपने ये अभी तक क्या है, तीन सवाल तो मिल चुके हैं। फिर अगला मुहूर का सवाल आया था, मुहूर क्या है ये रहा, और बैल वाली मुहूर, तो अपने देखो ये सवाल मिल रहे हैं इस पेपर के अंदर, जो 2021 का जो पेपर है उसमें पुराने 2 साल के पेपर में से काफी सवाल मिल रहे हैं। याक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, याक्षिणी का सौंदर्य, याक्षिणी का सौंदर्य का वर्णन, ये देखिए ये मतलब 4 सवाल शुरू के, पहले दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पुराने 2 सालों के पेपर में से आ चुका है। अजंता के चित्रों का संक्षिप्त वर्णन, अजंता के भित्ति चित्रों में ये आ चुका सवाल यहां से वापस। तो इस तरह से ये 5 सवाल आए, वो शिल्प त्रिमूर्ति पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब शिल्प त्रिमूर्ति के पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, शिल्प त्रिमूर्ति, ये सवाल बच्चों अपने थोड़ा नया आया। तो एक दो सवाल तो क्या होते हैं अलग आ ही जाते हैं। ताजमहल के स्थापत्य पर एक लघु लेख, ये ताजमहल वाला सवाल रिपीट हुआ बच्चों, क्या हुआ ये सवाल रिपीट हुआ है। ताजमहल का मैं बताऊं आपको, इसमें लिखा हुआ ये ताजमहल में ये रहा, ठीक है ताजमहल का वापस। फिर मुगल कालीन चित्र बाज का वर्णन कीजिए, मुगल कालीन चित्र बाज है, बैल आ चुका है और बाज, मुगल कालीन चित्र बाज, मुगल कालीन चित्र बाज है वो, ये बच्चों थोड़ा अपने क्या है, मुगल कालीन चित्र बाज। बनी ठनी किस चित्र शैली का, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो बनी ठनी चित्र है, बनी ठनी अपने, ये सवाल थोड़ा नया आया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है जामिनी राय की कला के संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जामिनी राय, ये सवाल थोड़ा अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद मधुबनी के बारे में आप क्या जानते हैं, समकालीन भारतीय कला पर एक लेख लिखिए, तो समकालीन भारतीय कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए, सवाल ये रिपीट हुआ बच्चों, क्या हुआ डिक्टो ऐसे कैसे रिपीट हुआ है, ठीक है। कालीघाट पेंटिंग, कलमकारी वाली पेंटिंग, फड़ और मधुबनी, ये फड़ भी आ चुका है, कालीघाट भी आ चुका है, ऐसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये अपने क्या है कि आप लोग अगर पुराने 2 साल 3 पेपर ये करके जाओगे, आपको मेरी गारंटी, आप पासिंग लाइफ मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हो। लिख लिख कर इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए और आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों। पहले बच्चों अपन लेके आए 3 साल के आपके लिए चित्रकला के पेपर पुराने, ये 3 साल के अपने पास पेपर हैं, इन पेपर की अपन चर्चा कर लेते हैं। ये जो पेपर है अपने 18-19 का पेपर है, उसके बाद में ये 19-20 का पेपर है और 21 का पेपर है, इन 3 साल के पेपर का अपन अध्ययन करेंगे। तो आपको लगभग क्या है 25 से 30% यानी आपके 50% तक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके इस साल परीक्षा के अंदर। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और मैं आपको सवाल मिला मिला अगर बताऊंगा। ये 3 साल के पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो मेरी गारंटी आपको क्या है कि काफी सवाल है वो मिलेंगे, इसी में से लगभग इसके आसपास से जो बुक है उसमें आप जो टॉपिक पढ़ोगे उसी में से सवाल घुमा के आ सकता है, बाकी सवाल वो के वो होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने पेपर की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। मेरी गारंटी आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आप 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हो।